कार्यक्रम को लेकर मुरादाबाद मंडल पुलिस ने किसी भी समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। डीआईजी मुरादाबाद ने कावड़ यात्रा के लिए बनाए गए रूट मैप को लेकर अभी तक न्यूज इंडिया से बात करते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मंडल के सभी जनपदों में पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है और इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स भी रिजर्व में रखा गया है और जोन सेक्टर के हिसाब से पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है जिसके अंदर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। और जहां तक ट्रैफिक रूट डायवर्जन की बात है तो वो इस तरह से किया गया है जिससे कि किसी को भी असुविधा ना हो, क्योंकि मुरादाबाद में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं इसलिए उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है और मुहर्रम के मद्देनजर भी जुलूसों की ड्रोन से निगरानी कराने की व्यवस्था भी इस बार की गई है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। दरअसल पहले सोमवार को अमरोहा जनपद में एक अनियंत्रित बस ने दो बाइक सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और बवाल हो गया था। इस तरह की किसी भी घटना से निपटने के लिए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। जी, जैसा कि आपको विदित है कि ये सावन का अंतिम सोमवार है और साथ ही साथ मुहर्रम का भी जो है मौका भी है। मुहर्रम का जो पर्व है वो भी ट्यूसडे को होगा और नवी मुहर्रम का, दसवीं मुहर्रम का जुलूस, साथ ही साथ कांवड़ की जो व्यवस्था आप बता रहे हैं, ये सारे के लिए हमारी फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। जोन सेक्टर्स के हिसाब से ड्यूटीज़ लगी गई हैं जिसके अंदर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट लगे गए हैं और काफ़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल, पैरामिलिट्री, पीएससी, ये सब हम लोग को आवंटित हुई है। सभी अधिकारी ऑन रूट हैं, ऑन ग्राउंड हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन को लेके स्पेसिफिकली जो है किसी को भी असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों ने अपने जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स हैं वो पहले सोमवार के पूर्व से ही सोशल मीडिया पे, स्थानीय चौकी लेवल तक, खास तौर से जैसे मुरादाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सपोर्टर्स, व्यापारी बहुत हैं, उनको किसी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस ना हो और किस तरीके से बिलारी वाली साइड से संभल बुलंदशहर से यहाँ का ट्रैफिक जाना है और किस तरीके से हापुड़ वाली साइड से इस तरफ आना है, तो एक डेजिग्नेटिक लेन पूरी तरह जो है हम लोग के द्वारा ट्रैफिक को दी गई है। ये पूरी व्यवस्था वहाँ पर है, एनफोर्स कराने के लिए हमारे सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पर सिपाही लगातार लगे हुए हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, मुहर्रम के भी जुलूस कई जगह पर रहेंगे, वहाँ पर भी ड्यूटी, रूफटॉप ड्यूटी, ड्रोन से निगरानी, साथ ही साथ सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग, खासतौर से ट्रैफिक को लेकर भी अगर कोई ट्वीट वगैरह आ रहा है तो तत्काल हम लोग का प्रयास हो रहा है कि उसको रिस्पॉन्ड करें और सभी अधिकारी बहुत मेहनत से इस संबंध में कार्य कर रहे हैं।